नमस्कार साथियों, आप शटर क्या मारते भाई, थोड़ा सा शटर क्या मारते भाई, भाई शटर क्या मारते, पीछे पीछे गोहाना की तस्वीरें देख रहे हैं। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी के पास मदना ढिंगड़ा पार्क के पास जो है मोबाइल की दुकान में जो है भयंकर आग लग जाती है। देखते हैं जल कर पूरा जो है दुकान जल कर राख हो चुकी है। देखते हैं ये तस्वीरें, ठीक है ठीक, जो पानी है नीचे जो वो भी गर्म हो चुका है पूरा, इतनी तेज थी। देखते हैं ये तस्वीरें अंदर की, आप देखते हैं जूम करके आपको दिखा दें कि जल कर पूरा तरह से सब कुछ राख हो चुका है भाई। इस वक्त की बड़ी खबर जो है एक मोबाइल की दुकान में जो है आग लग जाती है, पूरी तरह से जो सामान है जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंच चुकी है। देखते हैं आसपास की जो दुकान है और फायर ब्रिगेड जो टीम है मौके पर है और आग बुझाने का जो काम है वो करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखते हैं, मौके पर पहुंची हुई है। देखते हैं जो सामान है वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। देखते हैं जो भयंकर जो है आग ये लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। और देखते हैं जो फायर ब्रिगेड के द्वारा पानी जो मारा जा रहा है और जो रोड पे आ रहा है वो भी पूरी तरह से गर्म है। तस्वीरें गोहाना से देख रहे हैं, गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी के पास से जो है ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है दुकान में अचानक से आग लग जाती है और पूरा जो सामान है जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। और देश अब तक चैनल को लाइक करें जो है, देखते हैं पूरी तरह से सब कुछ जलकर राख हो चुका है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने का जो है काम किया जा रहा है और लगभग जो आग पर काबू जो है पाया जा चुका है। देखते हैं ये तस्वीरें गोहाना की देख रहे हैं जहाँ पर ये फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची है, जो दुकान है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। देखते हैं आसपास के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम को जो है मौके पर बुलाया गया और अब जो है आग पर कहीं ना कहीं काबू जो है पाया जा चुका है। और देखते हैं
हेलो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंच सके कि गोहाना में एक दुकान में, मोबाइल की दुकान में अचानक से आग लग जाती है। और देखिए सामान जो है अंदर से निकालने का काम जो है आसपास के जो दुकानदार हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान को जो है जो दुकानदार है वो बढ़ाकर अपने घर की तरफ चले गया था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अभी कारण का नहीं पता लगा है कि क्यों ये आग लगी है, किस कारण ये आग लगी है, लेकिन पूरी दुकान जो है जलकर राख हो चुकी है, बिल्कुल जलकर, बिल्कुल कुछ भी जो है यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। सब कुछ जो काउंटर है सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो चुका है। देखते हैं जो सामान है उसको बाहर निकालने का जो काम है, रात का जो काम है वो किया जा रहा है। भाई साहब क्या सूचना मिली थी और बताओगे थोड़ा सा? सूचना दुकान के मिले थे। अच्छा अच्छा, तो काबू पा लिया गया है? कितनी तेज आग लगी थी? आग कितनी भयंकर थी? आग तो बहुत भयंकर थी, लेकिन लाइट लोग पहले कट रही थी तो आसानी हो गया, तो पानी लग गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। काबू पा लिया गया है, तो देखते हैं तस्वीरें, देखते हैं पूरी तरह से जो दुकान सामान है वो जलकर राख हो चुका है। देख रहे हैं तस्वीरें, गोहाना के दुकान देख रहे हैं, सामान को दुकानदार देखते हुए नजर भी आ रहे हैं। सामान है पूरी तरह से चलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आप गोहाना की देख रहे हैं, गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी के पास की है तस्वीरें आप देश अब तक न्यूज़ पर लाइव देख रहे हैं, देखते हैं। जहाँ पर जो दुकान है वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है, ये तस्वीरें आप गोहाना की देख रहे हैं। जो आसपास की दुकान है इस तरह से दुकान को चेक किया जा रहा है कि इस तरह क्या है। आपकी दुकान में तो नहीं नुकसान कोई? नहीं, इन में तो नहीं है ना इसमें। इसमें आप दुकान है दूसरी, उसको भी संभालने का काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत है अभी तक टूटा हुआ नजर आ रहा है। वैसा दी थोड़ा जो है अभी तक जो है आग जो है बुझी नहीं है। जो काउंटर है उसके अंदर से जो है किस तरह जो है धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दुखद खबर है क्योंकि गोहाना के पुरानी सब्जी मंडी के पास ये दुकान थी, मोबाइल की दुकान थी, जहाँ पर देखिए अभी भी आग लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जो है लगातार इस पर काबू पाने का काम जो है किया जा रहा है। और अंदर का दिखा दें आपको, अंदर भी बिल्कुल पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री है, इसमें बना लाख है फैक्ट्री, कौन सी मशीन नहीं है? हेलो, तस्वीरें खाना देखते हैं जहाँ पर दुकान है उसमें आग लगी है और धुआं भी उठता हुआ आप नजर आ रहा है। तस्वीरें
हुई है। आप गोहना की देख रहे हैं तो एक दुकान में भयंकर आग लग जाती है और सारा सामान जल कर पूरी तरह से राख हो जाता है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। थोड़ा समय जो है जरूर लगा फायर ब्रिगेड को क्योंकि जो है मुगल पैकेज में जो है एक द्वार बना जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, उसको बंद होने के चलते जो है इसको थोड़ा फुवारा चौक से घूम कर जो है यहाँ पर पहुँची, जिसके कारण जो है थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड पहुँचती है उसके द्वारा इस पर जो है काबू पा लिया गया है। और देख भी सकते हैं लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अच्छा, कैसे क्या हुआ था थोड़ा बताओगे? आग लग के पूरी तरह दुकान खत्म हो चुकी है। अच्छा, अभी फायर ब्रिगेड करी रही है अपना काम। आप देखो जैसे ही सूचना मिली सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब तक तो जल चुकी थी दुकान, दुकान में नहीं बचा कुछ भी। कहीं ना कहीं सुबह पता लगेगा कि बिल्डिंग भी रिकंस्ट्रक्ट करानी पड़ेगी या बिल्डिंग का काम चल जाएगा, पर मुझे लगता है बिल्डिंग भी खत्म हो चुकी है। फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत आई होगी क्योंकि ये रास्ता बंद है। हाँ, थोड़ा इसकी वजह से दो चार मिनट लेट हुई है फायर ब्रिगेड। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म होगी दुकान तो। कैसे पता चला? क्या कहना चाहोगे? मोबाइल अभी तक मोबाइल जो है किसी का नाम नहीं ले रही है, अभी तक छूट रहा है। इतनी जबरदस्त आग थी कि अभी तक जो धुआं है आग है उतने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है, लगातार जो है आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। जो आसपास की जो दुकान है उनको कोई और दिक्कत ना हो, क्योंकि इस दुकान का तो जो सारा सामान जल कर राख हो चुका है और आसपास की दुकान है जो उनमें कोई दिक्कत ना हो, उसी को लेकर जो है लगातार प्रयास चलाया जा रहा है, किया जा रहा है। देखते हैं जो सामान है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, जो काउंटर है वो पूरी तरह से लाइट तो है बंद कर दी गई थी तुरंत जो है। देखिए साथ वाली दुकान तो सेफ है, खाली है ये। तो आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक की तस्वीरें पहुँचे। पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है और साथ वाली दुकान है वो सेफ है बिल्कुल, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दुकान की बात करें तो इसका जो सामान है सारा जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। देख सकते हैं ये तस्वीरें, आप देश अब तक न्यूज़ के माध्यम से आप तक लाइव तस्वीर देख रहे हैं। और अंदर का आपको दिखा दे, जूम करके दिखा दे थोड़ा, तो देखिए पूरी तरह से जो सामान है बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। धुआं धुआं आपको अंदर से उठता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देख सकते काउंटर हैं, जितने भी काउंटर हैं सभी जो है पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। अभी दोनों सर अंदर पड़ गए, अगले केवल अंदर देख लो वहां। पंडित जी क्या पता लगा था कैसे क्या हुआ ये? भाई से बात हुआ, आधा घंटा पहले घर गया हूँ और सोशल गेट से आग लगी है। अच्छा, उसने ने बताया भाई का नुकसान ज्यादा हो गया भाई का। हम तो अपनी सरकार से अपील करेंगे भाई का कुछ सहायता की जाए। दुकानदार जो है सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि कुछ मदद जो है दुकानदार को की जा सके। देखते हैं तो आपसे देखिए अपील करते हैं कि देश तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अभी तक जो है धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं ये तस्वीरें गोहना की पुरानी सब्जी मंडी में ये तस्वीरें हैं। क्या नाम था दुकान का? न्यू हंस टेलीकॉम की दुकान थी ये, जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। देखते हैं आसपास के जो दुकानदार हैं, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और दुकानदारों के द्वारा ही जो है
फायर ब्रिगेड को टीम को फोन किया और तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंची है और पहुंचकर जो है इस आग पर काबू पाने का काम जो है किया गया है।